हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल को खास कर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका सीआईबी का एबीएम यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर हम लोग ये पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो हम इसमें पॉइंट है वो है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स आप क्या समझते हैं वो समझिए। अगर कोई पूछे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्या जवाब देंगे? इकोनॉमिक्स सही भाषा में बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक्स जो होता है एक तरह का पढ़ाई है, स्टडी है। क्या चीज की स्टडी है? जो कि डील करता है प्रोडक्शन के साथ, एलोकेशन के साथ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एलोकेशन ऑफ क्या गुड्स और सर्विसेज, और किस तरीके से आप यूज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को। तो यहां पर तीन चीजें होती हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडी है या डील करता है जो आप बोल सकते हैं प्रोडक्शन के साथ, एलोकेशन के साथ और यूज ऑफ रिसोर्सेज के साथ। इसको हम बोल सकते हैं स्टडी बोल लीजिए या डील्स विथ बोल लीजिए। डील्स विथ थ्री कंपोनेंट्स। वो क्या कंपोनेंट है? एक तो हो गया प्रोडक्शन, दूसरा हो जाएगा एलोकेशन, तीसरा हो जाएगा यूज, यानी प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज किया, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज। तीन चीजों के साथ अगर हम तीनों चीजों को ऐड कर दें तो ये हो गया इकोनॉमिक्स। आया समझ में? सीधा भाषा में। अब हम लोग चलेंगे एडम स्मिथ को, एडम स्मिथ के बारे में। इनके बारे में, एडम स्मिथ के बारे में, ये बहुत बड़े इंसान हुए, बहुत ही नाम है इनका इकोनॉमिक्स के फील्ड में। एडम स्मिथ को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको हम लोग? इनका फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी हम इनको बोलते हैं। फिर एडम स्मिथ की एक किताब भी आई थी जिसका नाम था क्या? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। क्या बुक का नाम था? एन इंक्वायरी इनटू द नेशन एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि पब्लिश हुई थी 1776 में। तो एडम स्मिथ की एक बुक पब्लिश हुई थी, कब पब्लिश हुई थी? इन 1776 में ही पब्लिश हुआ था। क्या नाम था? एन इंक्वायरी, ठीक है, एन इंक्वायरी इंटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये बुक पब्लिश उन्होंने किया था। और एडम स्मिथ को हम बोलते हैं कि उन्होंने, एडम स्मिथ ने यह बताया कि इकोनॉमिक्स जो है एक तरह का स्टडी है वेल्थ का। क्या स्टडी है? वेल्थ का स्टडी है। यानी एडम स्मिथ ने बोला कि इकोनॉमिक्स एक तरह की स्टडी है वेल्थ की, वेन वेल्थ की पढ़ाई है। ये भी आप लिख सकते हैं, सेड एडम स्मिथ ने सेड क्या बोला कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। उन्होंने बताया इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी है वेल्थ का। और इसी बात, इसी, और वो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि वेल्थ किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, कैसे कंज्यूम करते हैं, ये बताया गया। इसका मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ वेल्थ मतलब दैट इज हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड। कुल मिला के बात है कि वेल्थ किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, किस तरीके से कंज्यूम होता है, ये आपको स्टडी ऑफ वेल्थ से पता चलेगा। जो वेल्थ की स्टडी करते हैं उसमें ये पता जाएगा वेल्थ को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है और किस तरीके से कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, और इसी कारण से,
इनकी जो डेफिनेशन है उसको हम लोग वेल्थ डेफिनेशन से बोलते हैं। इसी रीजन से क्या हो गया कि आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इन्हों का जो एक डेफिनेशन इकोनॉमिक्स का, ऐसा बोल सकते हैं, जो इन्होंने डेफिनेशन दिया इकोनॉमिक्स का, इसको हम लोग वेल्थ डेफिनेशन भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज वेल्थ डेफिनेशन। ये चीज को याद रखिएगा, इसलिए इस कारण से इसको वेल्थ डेफिनेशन भी बोला गया है। आया समझ में? उसके बाद एडम स्मिथ जो थे वो बल्कि फाउंडर भी थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के। किसके फाउंडर थे? माइक्रो इकोनॉमिक्स के फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ ने बहुत योगदान दिया इकोनॉमिक्स में, आप देख रहे हो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी हैं, यहाँ फाउंडर भी बने हुए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और यहाँ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी है। ठीक है, तो सारा पॉइंट्स प्लीज कॉपी अपना नोट डाउन करते चलिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अल्फ्रेड मार्शल के बारे में। ये कौन थे? अल्फ्रेड मार्शल ने भी इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ वेल्थ, ह्यूमन वेलफेयर है। उनके हिसाब से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है? साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर। इसलिए उनकी डेफिनेशन को ह्यूमन वेलफेयर, वेलफेयर डेफिनेशन भी बोलते हैं। इन्होंने डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को, डिफाइन क्या किया? स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर को स्टडी करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसलिए इनकी डेफिनेशन को, जो इन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को also called as welfare definition. जो economics definition दिया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनका welfare definition भी बोलते हैं, welfare definition. ठीक है, clear हो गया बात। अब एक और इंसान थे जिनका नाम था इन्होंने डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को, और इकोनॉमिक्स को इन्होंने डिफाइन किया स्कार्सिटी की डेफिनेशन के रूप में। ठीक है, जो इन्होंने इकोनॉमिक्स को, आप बोल सकते हैं पहले आप इकोनॉमिक्स को क्या डिफाइन किया, इकोनॉमिक्स को डिफाइंड किया कि एक तरह का रिलेशनशिप है, क्या है? एक तरह का रिलेशनशिप है इंट और स्कार्स के बीच में, ताकि आप बेटर अल्टरनेटिव यूज हो सके। क्या है? या इकोनॉमिक्स को बताया गया एक तरह का रिलेशनशिप बताता है, ठीक है, या बोल सकते हैं साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बताता है। क्या बताता है? साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इकोनॉमिक्स, जो कि एक तरह रिलेशनशिप बताता है बिटवीन इंट्स एंड स्कार्स। इंट हो गया जिसको चाहिए, स्कार्स हो गया जिसको बना रहा है, जो इंट है जिसको चाहिए, ठीक है, ताकि बेटर अल्टरनेटिव यूज हो सके। हम क्या बोल सकते हैं? इकोनॉमिक्स डिफाइंड, इन्होंने डिफाइन किया इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर है, ठीक है, एज ए रिलेशनशिप बिटवीन, क्या रिलेशनशिप होगा? बिटवीन इंट्स एंड स्कार्स, ठीक है, इंट्स एंड स्कार्स मीन्स हैव बेटर अल्टरनेट यूजेस, मीन्स हैव
बेटर अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, और इसी डेफिनेशन को स्कार्सिटी डेफिनेशन भी बोला जाता है। इनकी डेफिनेशन को क्या बोला जाता है? स्कार्सिटी डेफिनेशन बोला जाता है, स्कार्सिटी डेफिनेशन। ठीक है, अब आइए माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। माइक्रो इकोनॉमिक्स सब क्या समझते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या समझते हैं? ये वो ब्रांच इकोनॉमिक्स का जो कि डील करता है इंडिविजुअल बिहेवियर के साथ। ये वो ब्रांच इकोनॉमिक का जो डील करता है इंडिविजुअल बिहेवियर एंटिटीज का, यानी बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज के साथ डील करता है। उदाहरण के लिए हो गया मार्केट, फर्म, इंडिविजुअल, हाउस होल्ड। ठीक है, हम इसको क्या लिखते हैं? ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डील्स विथ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज, डील्स विथ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज में एग्जाम्पल अगर आपको जानना है क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है तो आप लिख लीजिए, कोई भी इंडिविजुअल हो जाएगा, हाउस होल्ड हो जाएगा, ठीक है, इंडिविजुअल हो गया, हाउस होल्ड हो गया, फर्म हो गया, मार्केट हो गया, ठीक है। और ये हेल्प करता है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, हेल्प करता है स्टडी करने में किस तरीके से हाउस होल्ड्स और फर्म्स आपस में डिसीजन करते हैं कि वो एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज को, जहां पे गुड्स और सर्विसेज को खरीदा और बेचा जाता है। फिर से सुनिए इस पॉइंट को, ये क्या बोलता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है आपको स्टडी करने में किस तरीके से हाउसहोल्ड्स और फर्म्स डिसीजन लेंगे जहां एलोकेट करना होगा रिसोर्सेज को, और वहां पे जो गुड्स और सर्विसेज को जहां पे खरीदा और बेचा जाता है। तो आप ये लिख सकते हैं, इट हेल्प्स in studying how individual, ठीक है, how individual या house, individual लिख लीजिए, how householder लिख लीजिए, and firms, ठीक है, how individual and firms make decision to allocate resources where, ठीक है, goods and services are bought and sold, where goods and services are bought and sold, ठीक है, पावरफुल वाला कोर्स करेंगे, यानी नो कंपलसरी पेपर करेंगे, इस दाम में 2,700 रुपये, सीएबी का ईवी प्लस बीएफएम प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे, दाम में 3,500 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4×9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jivsavistudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा sirsena123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया। थैंक यू।